और आप उसकी दौलत हड़पने के चक्कर में अगर बेगैरत बने बैठे हैं तो वो एक अलग बात है। हीरा ने कोई मेरा सर नहीं झुकाया। उस लड़के ने हीरा की ख्वाहिश की तो बाइज्जत तरीके से रिश्ता भिजवाया उसने। अच्छा, ये जो रिश्ता आया ना, ये आपकी भतीजी के कहने पर ही आया है। मान ले हामिद अली, ये दोनों की मिली भगत है और ये जो लड़की है ना, ये मिलके हमें बेवकूफ बना रही है। अरे भाई, ये सब कुछ हो जाएगा, खानदान वालों को क्या जवाब देंगे हम? खानदान वाले कौन होते हैं सवाल जवाब करने वाले? कम से कम मैं आपको ना अपनी भतीजी की मोहब्बत में इस तरह से जलील होने नहीं दे सकती हूँ। अरे हमारी भी तो कोई इज्जत है, कैसे रोल दे उसे मिट्टी में। क्या करोगी तुम? इस रिश्ते से इनकार कर दें, ये शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती। तुमसे किसने मशवरा मांगा है? और ये जो जहर है ना, अपने जहर को अंदर दबा कर रखो। मैं फैसला करूंगा कि क्या करना है, समझ गई तुम? और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। दिमाग तो जब खराब होंगे जब दुनिया वालों के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तुम अपनी बकवास बंद रखो, दुनिया वालों से मैं निमट लूंगा, सारे जवाब मैं दूंगा। चची जान, घर का काम कर दिया है और सालन भी चूल्हे पे रख दिया है, आटा भी गूंद दिया है, अब ऑफिस के लिए जा रहे हैं। ये ऑफिस के बहाने जो तुमने इतना बड़ा गुल खिला दिया ना, किसी भूल में मत रहना कि हम लोग इतने बेगैरत हैं कि चुप रहेंगे तुम्हारी कमाई की वजह से। और वैसे भी हम क्या कह सकते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा हो। हमेशा कहती थी मैं कि जो खून है ना, ये जरूर रंग दिखाता है, और देख लो, दिखा दिया अपना सर। ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। तब ये ऑफिस के बहाने ना हमारे मुंह पे मजीद कालक मत पोत देना तुम। वैसे भी तुम्हारी वजह से ना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम लोग। बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। कहाँ जा रही है?